हे गाइस, हाय, कहाँ हाय हो रहा है. वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल दीक्षा एंड आई एम दीक्षा. सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे. हाँ, हाय हो गया. सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे. और आज मैं बहुत फनी से चैलेंज शेयर करने वाली हूँ. उससे पहले मैं एक शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में. इससे पहले मैं आपके साथ में एक शेयर कर चुकी हूँ, तो उसमें ये वाला चैलेंज किया था मैंने. उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने उसको शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में. और अब मैं उसी का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली आप लोगों के साथ में. इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी, बिकॉज पहले मेरे पास आई थी कॉटन के साथ में सीजलिंग करने की, और अब आई है मेरे पास हैंगी से करने के लिए. यार बड़े अजीब चैलेंज आते हैं, क्योंकि उसमें मैंने किया था, उसमें मैंने आपसे बता दिया मुझे ठीक नहीं आती है. बट इतना ट्राई करने के बाद, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा कॉटन को मैंने इतना ज़्यादा मोटा बना रखा था, फिर पतले वाले साइड से मैंने बिल्कुल अंदर तक नोज़ में लिया, और फिर उसके बाद में कहीं जाकर मेरे छींक आई है. बड़ी मुश्किल से आई थी, बिकॉज मेरे आती नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बता दिया था. तो और इस बार तो मेरे पास आया है कॉटन से नहीं करनी है, कॉटन से मैं कर चुकी हूँ, इसलिए इस बार मुझे हैंकी से करनी है. जो हैंकी, और इस बार मुझे हैंकी के साथ में करनी है ये वाली चैलेंज. और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा इस बार भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है शायद कॉटन से. तो मैंने जो किया था वो तो बिल्कुल अंदर तक गया था, तो मेरे आ गई थी फिर भी बड़ी टफ करने के बाद में. और इस बार हैंगी से किया गया है, तो हैंगी से यार मैं कैसे करूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हैंगी से इतना ज़्यादा पतला तो नहीं हो सकता है. बस इसी ये मैंने हैंगी ले रखा है, इसको मैं कितना भी पतला कर लूँगी, इतना पतला कैसे हो जाएगा. वैसे कपड़ा है, हो जाएगा, बड़ी अंदर जाके खुल जाएगा. कॉटन तो होता है चिपका रहता है ऐसे, बट ये तो चिपका नहीं रहेगा, खुल जाएगा. सो देखती हूँ गाइस अब मैं ये वाला चैलेंज कैसे होता है, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कि जो मैंने कॉटन से किया था कॉटन के साथ में अच्छे से हो गया था, बट हैंकी से इस बार करना है. तो हैंकी से इस बार मैं करने जा रही हूँ. हैंकी से भी ठीक ही होगा चैलेंज, मैं ट्राई करूंगी कि जब तक मेरे छींक नहीं आएगी, क्योंकि उस बार भी मैंने ट्राई किया था, जब तक मेरे छींक नहीं आएगी तब तक मैं करती रहूंगी. इस बार मैं ट्राई करूंगी जब तक मेरे छींक नहीं आएगी तब तक मैं करती रहूंगी, क्योंकि सिचुएशन चैलेंज है. छींक नहीं आई तो फिर क्या फायदा होगा. बाबू मेरी वॉइस जाने दो, मान नहीं रही है, बैठी है मेरे साथ, मैंने कहा चलो बैठे जाने दो. और वैसे भी कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो नहीं हो सकता है, तो बहुत ही अच्छा सा चैलेंज होने वाला है. ट्राई करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मैं अपना आज का चैलेंज. ये रहा मेरा हैंकी, इसको मैंने बिल्कुल से ऐसे कर लिया है इस टाइप से, और अब मैं इसे नोज में, यार नोज में ही जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है हैंकी, कह रहा है नहीं जाना है. ठीक आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, स्टार्टिंग में जब उसे लगाओ ना बड़ा टफ लगता है. यहाँ से नहीं जा रहा है आगे. देखो बड़ा हुआ जा रहा है. गया. नहीं हो रहा है यार, ठीक. स्टार्टिंग में बड़ा बहुत ज्यादा गुदी गुदी होती है, टिकलिंग. आपको भी छींक आई है क्या? नहीं आई है? छींक नहीं आई है? आई है? नहीं आई है? नहीं आई है उसको, नहीं आई है. आप मत करो, मैं कर रही हूँ. देखो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं. नहीं जाला बाबू, हो नहीं रहा है. क्या पूछ रही? क्या ना हो रहा है इसमें? तो बिल्कुल जाने से कॉटन नहीं गया था, तो ये क्या जाएगा, हैंकी क्या जाएगा. नहीं हो रहा है यार, नहीं जा रहा है अंदर. यार कैसे कैसे चैलेंज ले लेते हो यार आप लोग, दे देते हो मेरे को. साइड से तो नहीं जा रहा है,
मेरी नाल लगी करते करते बीच से ट्राई करती हूँ। साइड में वो थोड़ा सा जो होता है ना उसकी जो स्टिचिंग होती है उसकी वजह से शायद नहीं जा रहा है। नहीं हो रहा है यार, चीख नहीं आ रही है। कॉटन से तो बड़ी मुश्किल में आई थी, इससे पता नहीं कैसे आएगी। हाँ बाय हो गया, बाय हो गया, यहाँ आकर बाय करो मेरे पास, ऐसे बाय। अभी बाय नहीं हो रहा है, अभी मेरे को छींक आनी है तब आएगा। कैसे आएगी यार चीख, इतना ट्राई तो कर रही हूँ फिर भी नहीं आ रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब मैं लगा ही रहूंगी जब तक छींक नहीं आएगी, आने वाली है शायद। आने वाली है, नहीं आ रही है यार, नहीं आ रही है यार, छींक नहीं आ रही है। आ जाओ एक छींक तो आ जाओ यार। नहीं आ रही है यार, बड़े अजीब अजीब चैलेंज आते हैं करने के लिए जो कि मुझसे हो तो जाते हैं पर बड़े टफ होते हैं। बच्चों वाली हरकतें यार, नहीं हो रहा यार, चीख नहीं आ रही है, क्या बताऊं, चीख ही नहीं आ रही है। मैं कर तो रही हूँ उतनी देर से ट्राई कर रही हूँ फिर भी नहीं आ रही है। उसमें तो मैंने बोला था चीख नहीं आई जब तक मैं करती रहूंगी, बट इसमें तो आ ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ बताओ। हैंगी से लग रहा मुझे नहीं आएगी, आई थिंक। हेल्प कर रहे हो आप मेरी, लो कह रही मत लगाओ, मम्मा बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई है मत लगाओ। बाबू एक मिनट ठीक करने दो मेरे को, हाँ आने दो मेरे को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आ रही है, मैं थक गई छींक बुला बुला कर, नहीं आई, बस बहुत हो गया यार, इतनी देर से मैं देखो यहाँ तक कर रही हूँ। आ जाओ यार एक तो, आ पूरा चैलेंज मेरा ऐसे ही हो जाएगा क्या? आ जाओ यार मेरे, एक छींक आ जाओ, एक आ जाओ, बुला रही हूँ। नहीं आ रही है यार चीक, नहीं गंदी, नहीं आ रही है यार, क्या करूं। वो गॉड यार, एक चीक तो आ जाओ, बाबू फिंगर नहीं डालते मुझे। आई आई देखा, उसमें भी एक आ गई थी, इसमें भी एक आ गई। माय गॉड, इतनी मेहनत के बाद जाके कहीं ये छींक आ पाती है यार, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है छींक बुलाने के लिए। वैसे कोल्ड वगैरह ना आ जाती है उससे, बाहर की डस्ट वगैरह होती है उससे आती है, या फिर किचन में कोई सब्जी वगैरह के मसाले होते हैं उसकी आती है। ऐसा तो नहीं आता, आगे बहुत डिफरेंट टाइप का चैलेंज है यार, फिर मैंने कर दिया है। सो गाइस पता नहीं कैसा लगा होगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, एक छींक आई है उसके लिए लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज छींक बहुत ज़्यादा टफ टाइप से बुलानी पड़ी है मेरे को।
तो आई होप पसंद आई होगी गाइस, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके गाइस, सो और हाँ, मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप लोग न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में पहले अकाउंट से भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोग मेरे चैलेंजिंग वीडियोज़ को मिस ना करें, तुरंत वॉच कर पाओ। हो गया, बाय करो, तो बाय बाय, से बाय। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, क्या बाय ना, बाय बाय बोलो, फिर चलते हैं, बाय।